हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर टू पढ़ाने वाली हूँ, यानी लेसन टू बाल पोती का। ठीक है, लेसन टू जो मैंने आपको लेसन फर्स्ट पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर मेरे चैनल में देख लें। और जो मैंने आपको लेसन फर्स्ट पढ़ाया था, जो भी मैंने उसे पढ़ाया प्लीज़ सबको याद कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहें और उनके जो मतलब हैं उनको भी अच्छे से समझ लें और याद कर लें। अब आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर टू। ठीक है, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट को बहुत समझ लिया है बट उसे याद नहीं करा है, सो पहले उसे याद करें तभी इसको देखें, क्योंकि अब जितना मैं इंग्लिश का पढ़ाने वाली हूँ आपको सब याद करना है, एक एक चीज। ही मीन्स वह, शी वह, ही पुरुष के लिए, शी महिला के लिए। मैं आगे आपको सब कुछ समझाऊंगी। पेन कलम, हैन मुर्गी, एग अंडा, कैट लाना, यहाँ पर लिखा है आपका वूमन। ठीक है, ये मेरी खुद की बुक है, इस वजह से थोड़ा सा काटम बेटी हो रहा है, तो मैं सोचूं जो मैं सीख सकी हूँ उसको वही आपको सिखाऊं, तो इसलिए मैं आपको इसी बुक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, वूमन औरत, रेट चूहा, लेट दो, दो मीन्स वो वाला दो नहीं, ये वाला दो, किस चीज़ से कुछ चीज़ ले लेना कि मुझे ये सामान दो, ये वाला दो। ठीक है, डू करना, वी हम, रेड लाल, नेट मीन्स जाल, बेड मीन बिस्तर, की मीन्स चाबी, टेल मीन्स कहना या फिर बोलना, बेल मीन्स घंटी, वैन मीन्स वैन, ऑफ काकी के, कैन सकना। सो आप देखते हैं ये सब चीज़ हम कहाँ यूज़ करेंगे। ही हम लड़के के लिए यूज़ करेंगे, जिसकी हम बोल सकते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। लड़के के लिए यूज़ हुआ है तो हम ही लगाएंगे, अगर हम उस बात को लड़के के लिए बोलें तो शी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, और बाकी का आपको पता ही होगा, लेट लाना, किससे कहीं से कुछ सामान लाना, जब आप इस चीज़ को कुछ सेंटेंस यूज़ करेंगे तो उसमें गेट यूज़ करेंगे। अभी आप सेंटेंस बनाने मत सीखिए, जो सिखा रही हूँ वो सीखिए आपको, बस आप इन वर्ड को समझ लीजिए एज अ फॉर्मूला, इन वर्ड को याद करके रखिए इनके मीनिंग समेत। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी इस चीज़ का यूज़ किस तरीके से। एक बार मैं ऑफ का बता देती हूँ पहले तो आपको, ऑफ का मीन्स काकी के, इसलिए किसके आप, जिसकी मैं अपने पापा की बेटी हूँ, आई एम अ डॉटर ऑफ माई फादर, ऑफ काकी के, किसी भी अगर काकी बात हो रही हो उसमें हिंदी में तो तब भी ऑफ की के, ऐसे किसकी बात हो तो ऑफ ही लगेगा। ठीक है, इसके बाद पेन मीन्स कलम, मैन मीन्स आदमी, की मीन्स चाबी, बैल मीन्स घंटा या घंटी भी बोल सकते हैं। अब ये देखेंगे छोटे छोटे सेंटेंस बना किस तरीके से इनकी आवाज़ आ रही है, किस तरीके से इनका मतलब निकलना है। ए पेन, मैंने आपको ए पिछली बार जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बताया था, ए मीन्स एक, और ए ई एन मैंने वो वर्स भी बताया था आपको, एन किस में लगेगा, इसमें पी है तो वो वर्स नहीं है हमारा, ये तो हमारा ही कॉन्स्टेंट है, तो एक कलम। गेटा नेट, गेट मीन्स क्या बताया था मैंने अभी आपको, लाना या फिर लाओ। गेट आ, ए का मीन्स क्या बताया था मैंने आप प्रीवियस वीडियो में, एक। ठीक है, नेट मीन्स जाल, एक जाल लाओ, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है, जो लिखा है उसी का सेंटेंस बनाना, अपने पास से नहीं बनाना है। ए बेबी एंड अ बेल, ए का मीन्स एक, बेबी मीन्स बच्चा, एक बच्चा, और एंड मीन्स और, ए मीन्स एक, बेल एक बच्चा और एक घंटा या फिर घड़ी लिखा है यहाँ पर, बट इज नॉट अ राइट, घंटा होगा या तो फिर घड़ी या फिर जो आपको यहाँ पर लिखा है घड़ी, बट सही नहीं है, घंटा या फिर घड़ी इस तरीके से।
वी कैन सिंग, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकते, सिंग मीन्स गा या फिर गाना, हम गा सकते हैं, कैन मीन्स सकता सकते, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। गेट अ पेन, प्रीवियस वीडियो में लेसन फर्स्ट में कैन के बारे में मैंने आपको बताया था। गेट अ पेन, गेट मीन्स मतलब आपको भी, लाओ, ए मीन्स एक, पेन मीन्स कलम, एक कलम लाओ। ही कैन रन, ही मैंने बताया था भी लड़के के लिए यूज हुआ है, वह दौड़ सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। इसी के साथ जो आपका लेसन टूटा वो आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर ना समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इससे पहले आप अपना जो लेसन फर्स्ट है उसे याद कर लें, फिर इस लेसन को टू को याद करें। सो अगली वीडियो में मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।